बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र के साथ। आज एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी व्यूअर्स। आज मैं कुक विद मुस्लिमा में बनाने जा रही हूँ, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और सबको, छोटों बड़ों को पसंद आने वाला चेस बोर्ड केक। तो व्यूअर्स, चेस बोर्ड जो केक है ये बहुत मज़े का रेडी होता है, बहुत अच्छा और इसकी लुक बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होता है। और जी व्यूअर्स, ये तो जब आप देखेंगे, जब बनेगा तब आपको पता चलेगा कि कैसा बना है। उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, यहाँ पर मैंने लिया है मैदा मेयर मेड करके, ये आपके सामने, ये मेरे पास कप है, ये मैंने 2 कप लिए। आपके पास अगर नहीं है, किसी के पास ऐसा कप नहीं है, तो इसका अल्टरनेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो घर में मेयरमेंट के लिए अगर आप करें, जो कप हैं चाय के कैजुअल कप हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं। तो वो आपका जो एक, मेरा ये 1 कप होगा और आपका वो 1.25 कप होगा, यानी कि 1 कप और 2 टेबल स्पून। तो जी व्यूअर्स, ये मैंने आप इसमें 2 कप लिए हैं और 1 कप मैंने यहाँ पर कास्टर चीनी ली है। ये देखें, कास्टर चीनी जो है ये मैं घर पे ही बनाती हूँ और आप भी इसको पीस सकते हैं, चीनी को लेके इसको ग्राइंड कर लेना, ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले लेना। ये मैंने 1 कप लिया है और 1 कप ही यहाँ पर ये मैंने लिया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क की रेसिपी व्यूअर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगी और कभी मैं आपको ये बनाना भी बता दूंगी, क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैंने जल्दी से इसको बना लिया। कंडेंस मिल्क जो है इसकी 1 कप मैंने ये लिया है और 1 कप ही यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। सब मेयरमेंट के जो है वो इसी कप के साथ है, यही 1 कप जो है मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, यही 1 कप मैंने ऑयल लिया है, यही 1 कप मैंने चीनी ली है और यही कप वाला जो है मैंने 2 कप मैदा लिया है। व्यूअर्स, अगर आपकी मेयरमेंट ठीक होगी तो आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जी व्यूअर्स। उसके बाद यहाँ पर ये चॉको चिप है वाइट में चॉकलेट, और ये चॉक चिप है ब्राउन में चॉकलेट। ये दोनों चॉकलेट्स हैं, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी इसका पर्पज़ क्या है। और यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है दूध, 1/4 यहाँ पर मैंने लिया है, 125 ml मैंने लिया है बेकिंग सोडा, ये 2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिए हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर मैंने 2 टीस्पून लिए हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स, ये मैंने लिया है चोको पाउडर, कोको पाउडर का मैंने यूज़ किया है 1/4 कप। ये देखें व्यूअर्स, इसी कप के साथ आपके पास ये 1/4 कप है और ये मैंने 1/4 कप लिया है और इसका जो ml है वो आपके सामने है 60 ml, ठीक है। ये मैंने चोको पाउडर ये लिया है और यहाँ पर जो इसकी हम टॉपिंग करेंगे वो यहाँ पर मैंने चॉकलेट फ्लेवर भी लिया है और मैंने यहाँ पर कैरामल टॉपिंग भी ली है। तो जी व्यूअर्स, इसका यूज़ भी मैं बाद में बताऊंगी। तो अब हम अपना चेस बोर्ड केक जो बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपका दिल चाहे तो इसमें वनीला एसेंस डाल सकती हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एगलेस केक है और इसमें कोई एग नहीं जाएंगे, हम विदाउट एग के ये केक बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा, आप इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। जी व्यूअर्स, अब मैंने ये एक बाउल लिया है, बड़ा बाउल आप ले लें। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे ऑयल, 1 कप ऑयल, और साथ ही हम यहाँ इसमें डालेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क और अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए व्यूअर्स, कंडेंस मिल्क जो है बिल्कुल ऑयल में मिक्स हो गया है, अलग नहीं लग रहा, इतना मैंने इसको अब ब्लेंड किया है, अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, यहाँ पर मैं ये लूँगी, इसको छानेंगे पहले चीनी को, वैसे तो ये पाउडर फॉर्म में मैंने पहले ही ले चुकी हूँ, स्ट्रेन कर रही हूँ, अच्छे से इसको कर लेना ताकि कोई भी इसमें लंच रह ना जाए। व्यूअर्स, अब मैं इसमें जो मैदा मैंने लिया है इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। व्यूअर्स, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही बेकिंग सोडा को भी ऐड कर दूँगी, इसको स्ट्रेन कर लूँगी। देखिए मैंने आपके सामने स्ट्रेन कर दिया, अब इसको इसमें मिक्स करूँगी और जो दूध मैंने साफ लिया है वो थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी बन जाए। व्यूअर्स, ये देखें, इसमें मैं अच्छे कप से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जो
मैदे के या शुगर के कोई भी लम्स वापस इसमें रह ना जाए। तो अच्छे से इसको हमने बीट करना है हैंड से ही, क्योंकि हमें यहाँ पर बीटर दूसरा इलेक्ट्रिक नहीं यूज़ कर रही, थोड़ा सा उससे बीटर से किया है, थोड़ा सा इससे स्पैचुला से किया है। और व्यूअर्स, आपकी जो डो है वो इस तरह की होनी चाहिए, जैसे ये रहनी है। अगर आपके दूध कम पड़ जाता है और आपका जो स्ट्रक्चर है इस तरह का नहीं बनता, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। और उसमें आपने इस तरह फिर से दूध ऐड कर देना। अभी मेरा ये जो बैटर है केक का, वो रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, मुझे वनीला एसेंस बहुत पसंद है केक में। इसमें हालांकि एग नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इसमें मैं 1.5 स्पून डालूँगी। तो व्यूअर्स, आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो अब इसको भी अच्छे से हम इससे मिक्स कर लेंगे। मैंने ये दो बाउल लिए हैं और ये जो बैटर मैंने इधर बना दिया है ये वाला, अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगी, इक्वल डिवाइड करूँगी। हाफ में इसमें डालूँगी जी व्यूअर्स, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। और अब एक हिस्से में मैं जो मैंने कोको पाउडर लिया था आपके सामने जी, मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है। और अब इसको बैटर को मैं रेडी करती हूँ, मिक्स करती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, चोको पाउडर, इसमें कोको पाउडर मैंने डाल दिया है और ये बैटर जो है हमारा चॉकलेट का, वो रेडी हो चुका है। अच्छे से इसको बीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने पैन रेडी किए करना है। पैन को मैंने ग्रीस, सिर्फ अभी ग्रीस ही किया है। ऑयल से 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और इसे मैंने ग्रीस किया। यहाँ पर बैटर पेपर डालूंगी आपके सामने। फिर यहाँ पर 1 टेबलस्पून डालूंगी और इसको अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। अब जो है हमारे पास चॉकलेट का, पहले हम बना लेंगे केक। इसको मैं उठाऊंगी और ये इसमें डाल रही हूँ, बैटर डालेंगे। प्री हीट के लिए मैंने पतीले को जो है रेडी करके रख दिया है और वो तकरीबन उसको 10 मिनट हो गए हैं, वो प्री हीट हो रहा है। अब इसमें मैंने ये डाल दिया चॉकलेट, इसको टैप करना है, टैप कर देना है, इसके अंदर से एयर जो है आपकी निकल जाए। ये देखें, अब इसको हम ले जाते हैं पतीले की तरफ। अब मैं इसको इसके सेंटर में रख दूंगी और ध्यान से व्यूअर्स, आपका हाथ ना जले, एहतियात से आपने इसमें रखना है। और इसको हम 45 से 50 मिनट जो है मीडियम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे जो है इसको हम रखते हैं और फिर आके देखते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं जी। व्यूअर्स, यहाँ पर 40 मिनट हो गए हैं, हम अपना केक चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने 40 से 50 मिनट के लिए कहा था। तो अभी 40 मिनट में हम केक उठा के देखते हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई आया है, इसका मतलब है कि हमारा केक रेडी हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, तो 40 मिनट में जो है केक रेडी हो चुका है। फ्लेम बंद करेंगे और एहतियात से हम इसको बाहर निकालेंगे जी। व्यूअर्स, ये मैं केक बाहर निकाल रही हूँ, मैंने बंद कर दिया है फिलहाल जी। व्यूअर्स, चॉकलेट केक हमारा रेडी हो चुका है, ये आपके सामने है, बहुत मज़े का रेडी हुआ है। ये हमारा 40 मिनट, फुल 40 मिनट में जो है कुक हो चुका है और मैंने आपको दिखा दिया है। अब फिर पैन में मैं अब वनीला केक डाल रही हूँ, और जिसमें मैंने कोको नहीं डाला था, अब इसकी बारी है। और व्यूअर्स, ध्यान से हाथ नहीं चलाना, एहतियात से आपने इसके अंदर डालना है। और इसको हमने रख दिया है और फिर इसको हम देंगे 40 मिनट, और आफ्टर 40 मिनट आप बाद बाकी देखते हैं जी। व्यूअर्स, 40 मिनट हो गए हैं, अब मैं चेक करती हूँ हमारा वनीला केक रेडी हो गया है। देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल ड्राई आया है आपके सामने, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसको बंद करते हैं फ्लेम को और केक को बाहर निकाल लेते हैं। ठंडा हो चुका है, अब इसकी थोड़ी सी मैं कटिंग करूंगी पहले ऊपर से। इसको इक्वल कर लेंगे। अब इसके सेंटर से जो है मैं फिर से
दो करूंगी। जी व्यूअर्स, ये मैंने इसको दो पार्ट में कर लिया है। अब इसको फिर से, मेरे पास कटर इससे बड़ा नहीं है तो मैं क्या करूंगी, इस तरह का मैंने एक बाउल लिया है और नाइफ से मैं एक सर्कल काटूंगी, बिल्कुल साथ 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 छोटे छोटे कट लगाती जाऊंगी ताकि जो केक है अच्छे से कटिंग होती जाए। देखिए व्यूअर्स, ये हमारा जो सर्कल है इसमें से निकल आया है, कितना प्यारा। अब हम इसको यहाँ रखेंगे और ये इससे छोटा जो है, ये पास मेरे पास है कटर, ये भी सेंटर में रखना है और इसको निकाल देना है आपने। ये देखिए व्यूअर्स, ये आपको रेडी है। अब फिर से हम दूसरे केक को करेंगे। जो वनीला केक है वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ ठंडा करने के लिए। इसी तरह मैं अब आपके सामने सबसे पहले यहाँ रखूंगी चॉकलेट फ्लेवर को, ठीक है। व्यूअर्स, ये आपकी मर्जी है, आपने पहले चॉकलेट की टॉपिंग करनी है। तो ये देखें, इस तरह इसको ये लगाते जाना है। ये मैंने इसमें और लगा दी इसके सेंटर में। अब यहाँ पर मैं रखूँगी इसका वनीला का और फिर इसमें मैं चॉकलेट का लगा दूँगी टॉपिंग सेंटर में। वनीला का रखा है। अब यहाँ पर जो है मैं कैरामल की कोटिंग करूँगी सारी। जी व्यूअर्स, चेस केक रेडी हो चुका है आपके सामने है। एक साइड कैरामल की है और एक चॉकलेट की। इस साइड पे सारी चॉकलेट है और इस साइड पे सारी कैरामल है टॉपिंग पे। तो अब हम इसको काटते हैं। अब मैं इसको खा के दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट बना है, ये देखिए व्यूअर्स, बहुत मज़ेदार, बहुत जूसी, परफेक्ट लेयर, परफेक्ट चेस बोर्ड का जो केक है वो रेडी है।